हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा द सोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एयरटेल पेमेंट बैंक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, नहीं तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक का पोर्टल है, ये हमारे सिस्टम में भी लॉगिन होता है, ये भी एक सीएसपी की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस बीसी पोर्टल में क्या क्या फीचर हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, मनी ट्रांसफर है, कैश विड्रॉल है, कमीशन है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, माई लेजर हिस्ट्री है, पे बिल है, रिचार्ज है, कैश ड्रॉप है, माई ऑफर और माई ट्रेनिंग और कैश डिपॉजिट और आधार अनेबल सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आप इतने सारे ऑप्शन इस एक पोर्टल में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन की, मनी ट्रांसफर। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा करके आप रजिस्ट्रेशन, पहले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आपका फंड ट्रांसफर होगा। तो अपन यहाँ पर बैग ले लेते हैं और यहाँ पर कैश विड्रॉल का ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैश विड्रॉल किन का होगा? जिनका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन है और उनके अकाउंट में पेमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन पे मैंने क्लिक किया है, तो कमीशन यहाँ पर कम से कम एक वीक का देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ 22 तारीख और यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो ये कमीशन डिटेल है, एक्सेल में डाउनलोड हो गई है। अब हम यहाँ पर होम पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आधार पेमेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ईपीएस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, एपीएस रिटेलर, एम कैश टू हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो भी आपने इसमें से ट्रांजेक्शन किया है उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। फिर अपन जाएंगे वापस होम में और यहाँ पर अपन चेक करेंगे माई लेजर हिस्ट्री। तो यहाँ पर अपन डेट लगा लेते हैं, मैं लगा लेता हूँ एक वीक की और यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रखा है वो सारी डिटेल इसके अंदर आती है, शो करती है। अब हम देख लेते हैं पे बिल। तो यहाँ पर पे बिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल आता है, गैस का आता है और वाटर का बिल आता है। तो हम यहाँ पर होम पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिचार्ज में, तो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज ऑप्शन है, लेकिन हमने रिचार्ज इनका किया नहीं है और ये कैश ड्रॉप ये भी नहीं देखा है, माई ऑफर भी नहीं देखा है और माई ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग कर ली है और कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट में आप जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है उनका आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और सबसे बड़ी सर्विस है वो एपीएस सर्विस है। तो हम यहाँ पर एपीएस सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और सेंड टू बैंक। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल मैंने करके देखा है, कैश विड्रॉल बिल्कुल होता है और मिनी स्टेटमेंट भी बताता है, इलाहाबाद का मैंने चेक करके देखा है, मिनी स्टेटमेंट भी बताता है और बैलेंस इंक्वायरी भी होती है। तो ये सारा चीज वर्क कर रहा है और आपको और भी आपके मन में कोई भी सवाल है एयरटेल पेमेंट बैंक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप सारे इसमें डिटेल हैं बहुत, ये बिल्कुल बीसी की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बताना था कि एयरटेल पेमेंट बैंक का भी अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह सब काम करती है, मैंने मोरफो इंस्टॉल करके रखी है, वो बिल्कुल इसमें वर्क कर रही है और दो डिवाइस इसके अंदर दी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे
जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें।